रहा, लड़के खड़े हैं, लोग खड़े हैं झंडा लिए, वो रास्ता खाली कर दें वहां से, तभी निकाल पाएंगे। पुलिस कर्मी जो भी सुरक्षा कर्मी लगे हैं उनसे अनुरोध है कि वहां से लोगों को हटा दें, वहां से लोगों को हटा दें। जब तक लोग सामने दिखते रहेंगे तब तक नहीं जाएगा, और चोट और लग गई कुछ लोगों के और लग जाएगी। हमारे बीच में कन्नौज से एमएलसी कन्नौज के, क्योंकि अमेरिका और बड़े बड़े देश, उन्होंने पहले सड़कें बनाई, शिक्षा का स्थान बेहतर किया, इलाज का इंतजाम बेहतर किया। और अमेरिका के बारे में कहा जाता है कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका को बना दिया, इसलिए हम बुंदेलखंड में सबसे बेहतरीन, देश की सबसे अच्छी सड़क बनाना चाहते थे। वो हमारे ही घोषणा पत्र को पढ़ रहे थे यहां पर, न मेट्रो बनी न एक्सप्रेस वे बनी, और जिस स्कूल में वो आए थे जाने के बाद सब सामान भी अधिकारी लेकर के चले गए। वैसे मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जो हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां उनका सांड स्वागत कर रहा है। आजकल अभी हरदोई में वो सुरक्षा चक्र तोड़ करके सांड आ गया, वो अपनी परेशानी बताना चाहता था, दरखास्त लेकर के आया। ये हमारे पुलिस के लोग जानते होंगे, ये भी नहीं रोक पाए सांड को, और सांड सीधा हेलीकॉप्टर के पास पहुंच गया कि हमें अपनी शिकायत करनी है मुख्यमंत्री जी से। पता नहीं क्या शिकायत करना चाहता था सांड। और कल जब हम कन्नौज में थे सिरवा में, वो हेलीपैड ढूंढता ढूंढता चला आया और हेलीपैड पे घुस गया करके। हमारे पुलिस के लोग समझाने गए कि ये गलत जगह आ गए, ये तब जब तक कहते उसने अपने सींग से जो इलाज किया है वो आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत भागा दौड़ी हुई, लगभग आधा घंटा भागा दौड़ी हुई उसे समझाने में कि सांड भाई आप आए हो गलत हेलीपैड पे आ गए हो, यहां पर वो नहीं आ रहे जिन्हें आप ढूंढ रहे हो। वो बेचारा चुपचाप चला गया जब उसे पता लगा कि ये गलत हेलीपैड पे आ गया है। बताओ उत्तर प्रदेश को क्या बना दिया इन बीजेपी के लोगों ने, जहां नहीं वहां सांड घूम रहे हैं। कोई आया तो नहीं सांड आपके यहां? आया है नहीं आया? लेकिन जैसे ही घुसो बुंदेलखंड की तरफ, आप सड़कों पर देखो गाय मां हमारी कैसे घूम रही हैं, कैसे घूम रही हैं हमारी गाय, कैसे घूम रही बताओ। हमसे आपसे कहा कि हमारी गाय मां को बचाना है, ये अन्न पशु को बचाना, हमें वोट दो। ये समाजवादी पार्टी के लोग गाय की हत्या कराते हैं। बताओ कहा स्लॉटर हाउस बंद करने के लिए कि नहीं कहा स्लॉटर हाउस बंद करने के लिए? और मैं तो कहता हूं पत्रकार साथियों आंकड़े निकाल लेना, आप हमारे नौजवानों आंकड़े निकालना, ये हमें और आपको बदनाम करने के लिए ये सब काम कर रहे थे। और बाद में पता लगा के पाकिस्तान और बांग्लादेश के व्यापार को बढ़ावा दे रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। आप निकालिए आंकड़े, बदनाम हम लोगों को लेकिन आंकड़े और लाभ दे रहे थे, भारत का पूरा व्यापार चला जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश में।